वेलकम बैक टू माई चैनल गेस वॉट। आई एम इन शिमला राइट नाउ। वी रीच्ड हियर लास्ट नाइट एंड कल हमें सोने में ही पूरा टाइम गया, सो आई डिडंट व्लॉग यस्टरडे। दैट्स माई सिस्टर। आई डिडंट व्लॉग यस्टरडे। अभी रात सुबह के 10 बज रहे हैं एंड हम लोग कम से कम 12 घंटे सोए, 12 घंटे नहीं 10-12 घंटे, एंड फटाफट उठ के रेडी होके अभी हम लोग मॉल रोड जा रहे हैं एंड ब्रेकफास्ट भी करना है। कुछ भी खाया नहीं एंड हम लोग यहाँ पे होम स्टे पे रुके हुए। इट्स अ प्रीटी गुड एरिया। बाद में दिखाऊंगी अपना रूम एंड ऑल। एंड मैंने बहुत सारे कपड़े पहने हुए एज यूजुअल, लाइक मैंने लुधियाना में एंड अमृतसर में भी मैंने बहुत कपड़े पहने हुए थे, बट यहाँ पे हाई नेक वगैरह भी पहले, एंड ये मेरी सिस्टर का है क्योंकि मेरे पास नहीं है, क्योंकि यू नो हैदराबाद में ठंड नहीं होती है। अभी जाके मुझे काफ़ी सारी चीज़ें खरीद, लाइक बीनी एंड ग्लव्स। सो लेट्स गो, लुक एट द व्यू। ये व्यू मेरे बैल्कनी से है जहाँ पे मैं रुकी हुई हूँ अभी। चर्च ऑफ शिमला नेम्ड क्राइस्ट चर्च एंड आसपास ये रहे। देन देयर इज अ इंदिरा गांधी स्टैचू। सो बेसिकली ये मॉल रोड है एंड यहाँ पे काफ़ी चहल पहल चली रहती है। आई होप आई एम ऑडिबल। राइट, चेंज इन प्लान्स। सो वी आर मूविंग अहेड टू कुफरी फ्रॉम मॉल रोड एंड हम लोगों ने सोचा कि मॉल रोड हम लोग रात को एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम लोग आइस स्कीइंग करने जाएंगे कुफरी में एंड वी जस्ट टुक अ टैक्सी एंड यहाँ से डायरेक्ट हम जा रहे हैं। आई विल शो यू द व्यू। ज़्यादा बर्फ देखा नहीं है, सो आई एम सो एक्साइटेड फॉर द आइस स्कीइंग एंड बहुत ज़्यादा भूख लग रही है क्योंकि मैंने रात को डिनर किया था, वो भी अच्छे से नहीं किया था, चिप्स वगैरह ही खाया था क्योंकि सब्ज़ी में काफ़ी मिर्ची थी एंड मैं मिर्ची नहीं खाती। ऑन द वे टू कुफरी एंड आई एम वेटिंग कि बीच में रुक के कुछ खाना खा लेंगे एंड देन विल गो फॉर आइस स्कीइंग। मम्मी, आर यू एक्साइटेड? यस, वेरी मच। अटकी हुई हूँ। इट्स बीन मोर देन 5 मिनट्स एंड अब पता नहीं जब तक लाइट नहीं आती मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा। देन आई विल गो फॉर बंजी जंपिंग, रिवर्स बंजी आई मीन। मैं ना एक बार यहाँ से ऐसे गिर जाऊंगी, वो वीडियो बनाना। Thank you.
आर बैक टू मॉल रोड एंड लिटिल हंगरी एंड काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। यहाँ पे उतार चढ़ाव भी बहुत है एंड अभी हम लोग देख रहे हैं कहीं पे मोमोज थुक्का वगैरह जो यहाँ के लाइक खाने हैं वो सब ट्राई करने के लिए एंड ऑल्सो नीड टू बाई कैप एंड ग्लव्स एंड दैट्स द चर्च। Yeah, there's a cute dog like Olive. I'm missing Olive so much and I'm so excited to go back to home. पिज्जाज आते वक्त एंड लुक एट देम, ये ऑलरेडी ऐसे लग रहे हैं जैसे कि काफ़ी हार्ड हो गई है। सो वी आर बैक टू आवर होटल एंड अभी पिज्ज़ा खोल रहे हैं खाने के लिए, बट इट लुक्स लाइक कि थोड़े से हार्ड हो गए हैं एंड काफ़ी ठंडी है। मैंने अपने कैप एंड ग्लव्स ले लिए थे रास्ते में एंड हम लोगों ने काफ़ी अच्छा खाना खाया एक प्लेस में जिसका नाम है आंटीज चाइनीज़ फूड, वैसा आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। एंड काफ़ी अच्छा खाना था, काफ़ी रीजनेबल था एंड बहुत ही अच्छा था। हम लोगों ने अमेरिकन चॉप्सी खाया एंड मोमोज खाए देन थुप्पा खाया, इट वाज वेरी अमेजिंग एंड थोड़ा पैक भी कर लिया था एंड आते वक्त पिज्ज़ा ले लिया था बट लुक्स लाइक कि हार्ड हो गया है। एंड आज के लिए इतना ही था, आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग। Jakku temple and we are taking the rope way from here and we are in Mall Road right now. I think this it's called Ridge and काफी ज्यादा rush है यहाँ पे, I'll show you. तक पहुंच गए हैं एंड यहाँ से अभी टिकट्स लेनी है, मेरी सिस्टर गई है टिकट्स लेने एंड यहाँ से हम रोपवे लेंगे एंड आई विल शो यू हाउ इट लुक्स एंड हाउ इट फील्स। मैं काफ़ी थक गई हूँ क्योंकि इतने नीचे से मैं चलते हुए आई हूँ, फील्स अमेजिंग। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं इतना दूर चलूँगी बट ठीक है। हेलो, वेयर आर वी? We are in a रोपवे। हम लोग अभी रोपवे में आ गए हैं एंड ये जो इसका जो एक क्या बोलते हैं इसे डब्बा है, इसमें हम बैठ गए हैं एंड अभी स्टार्ट होने वाला है। स्टार्ट होगा तो आई विल शो यू द व्यू। Jakku मंदिर एंड हियर इट इज
एंड इतनी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है। मुझे ऐसा लगा कि मैंने ऑलरेडी अंदर एक स्वेटर एंड ये भी काफ़ी गर्म है, इसके ऊपर मैंने कोट पहना था, बट होटल हमने सुबह चेंज किया, इसलिए मैं सुबह सुबह व्लॉग नहीं किया था। हमने सुबह होटल चेंज किया था एंड मैंने वो नए वाले होटल में जो मॉल रोड में है, मैंने वहीं पर अपना कोट रखा है। मैंने सोचा गर्मी होगी, बट बर्फीली हवा चल रही है, लाइक लिटरली यहाँ पे आसपास बर्फ पड़ी हुई है एंड यहाँ पे ठंडी बर्फीली हवा चल रही है। काफ़ी ठंड है बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, यू मस्ट विजिट दिस प्लेस वंस। यहाँ पे हल्की हल्की स्नोफॉल होने स्टार्ट हुई है एंड लुक एट दी हनुमान जी का स्टैच्यू। दिस इज अराउंड 120 feet टॉल आई थिंक, एंड ये यहाँ का सबसे फेमस लोकेलिटी है, जाकू टेम्पल। ये लाइक आपको मॉल रोड पे भी ये स्टैचू दिख जाएगी ऊपर से, जैसे कि पहाड़ पे लटक रही हो। लुक एट दी बिग स्टैचू, मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है, इतना ठंडा है एंड थोड़ी यहाँ पे बर्फीली हवा चल रही थी एंड हल्की हल्की स्नोफॉल होने लगी थी, अभी एकदम कम बट हुई थी, बारिश भी हो गई थी। We just reached our new hotel room and it's I think 4 o'clock. It's 4:40 PM and बहुत ठंड है बाहर, लाइक बारिश हो रही है, लाइक इट्स ड्रिजलिंग एंड कहीं कहीं स्नोफॉल भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो हम लोग थोड़ी देर होटल में आ गए हैं एंड चिप्स वगैरह पैक कर लिया है साथ में बीच बीच में खाने के लिए, एंड वी आर ऑलरेडी फुल क्योंकि हम लोगों ने लंच किया था एंड वो भी काफ़ी लेट किया था। एंड तो रात को डिनर के लिए फिर बाहर जाएंगे एंड थोड़ा सा मॉल रोड घूमेंगे, लक्कड़ बाजार एंड ऑल देख लेंगे शॉपिंग, एंड कल हमारा रिटर्न है। सो या दैट्स द अपडेट।